सो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते सभी बढ़िया होंगे और आगे भी ऐसे बढ़िया रहना। और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में ये बेल आइकन भी दबा देना। सो गाइस, आज नॉर्थईस्ट अनदर एपिसोड फाइनली जीत चुका है। मतलब बहुत दिन से हम लोग समझ रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट अनदर एफसी हारते रहेंगे, लेकिन आज नॉर्थ ईस्ट अनदर एफसी जीता और हमें बहुत खुशी हुई। लेकिन सो गाइस, एक ट्विस्ट है। मतलब नॉर्थ ईस्ट अनदर एफसी में मैट डेविसन की जगह एक नया फॉरेनर आ सकता है। मतलब ऐसा रूमर अभी के मार्केट निकल आया है। मतलब मैट डेविसन को आप लोग नोटिस करेंगे तो इस दो या तीन मैच में उसको हम लोग मतलब फील्ड में ही नहीं, स्क्वाड में भी नहीं देख रहे। मतलब वहाँ पर जब प्रैक्टिस होता है ग्राउंड पे, वहाँ पर भी हम लोगों ने जो नोटिस का ऑफिशियल वेबसाइट में वीडियो वगैरह डालता रहता है, वहाँ पर भी हम लोगों ने मैट डेविसन को नहीं देखा। इस ख्याल से, मतलब इस वजह से हम लोगों को लगता है कि नॉर्थ ईस्ट अनदर एफसी मैट डेविसन के जगह में एक बहुत ही अच्छा फॉरेनर प्लेयर को लाएगा। और सो गाइस, आज मैं सेटअप में नहीं हूँ। मतलब एग्जाम वगैरह चल रहा है तो वीडियो बनाने का वक्त भी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्ट आके थोड़ा सा फेस टू फेस ऐसा ही कर लिया, तो इसके लिए सॉरी। अब हम आज सेटअप में नहीं है, लेकिन आप लोगों को एक बात बता दूं, उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो हमारे जो कोच से फिंजर जो है से उसने बोला था कि हम एटिकम्बे को हरा सकते हैं, कुछ ऐसा ऐसा बोला था। मतलब हम इस गेम को जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा ऐसा बोला था। उसके बाद जब जुआन फेरनांडो का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो जुआन फेरनांडो ने बोला कि बॉल मैच मुंह से नहीं पिच में खेला जाता है। तो करारा जवाब जुआन फेरनांडो को नॉर्थ ईस्ट अनदर एफसी के हेड कोच मतलब फिंचेंजो अल्बर्टो एनेस ने दे दिया है हमारे हिसाब से। लेकिन एक बात बोलूं भाई, आज तो दिन में कंट्रोवर्सी हो जाता है। मतलब सो गाइस, थंबनेल देखकर जो एटीकेएमबे के लोग यहाँ पर वीडियो देखने आए हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूं, आप लोग खुद चूज कर बताइए। मतलब एटीकेएमबे का मार्केट वैल्यू है, मतलब उन लोगों का प्लेयर खरीदने का पैसा है 47 करोड़, और उसमें से भाई 30 करोड़ रुपया तो लुइस सुआरेस ले जाएगा ना। उसके बाद दूसरे जो प्लेयर है, लिस्टन कलर्स हो गया, ब्रैंडन हामिल हो गया, उसके बाद दिमित्री पेत्रोस, इन सबको कहाँ से पैसे देंगे भाई? 32 करोड़ तो ये लेगा, तो सब लोग प्लेयर तो को मिला के भाई दिमित्री पेत्रोस का 6 करोड़ हो गया यार। 4 या 5 प्लेयर में ही तो यहाँ पर सब तो पैसा निकल जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से लुइस सुआरेस आने का चांस एटीकेएमबे में नहीं है। 32 करोड़ 47 आप लोग माइनस करके देखिए, और यहाँ पर जो दिमित्री पेत्रोस है उन लोगों का भी जोड़ के देखिए, आप लोगों को खुद अंदाजा मिल जाएगा क्या मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। मैंने कमेंट कर दिया उस बंदे को जिसने वीडियो बनाया था, यूट्यूब चैनल का मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, उसको मैंने ऐसा बता दिया। लेकिन वो बंदा बोलता है कि हमारा एटीकेएमबी मैनेजमेंट ने उसको ऑफर किया है, ऐसा ऐसा बोलता है। लेकिन उसके इस समय के बाद फिर दूसरी मतलब कुछ घंटों के बाद एक एटीकेएमबे का साइट का एक यूट्यूबर बोलता है कि जो यहाँ पर लुइस सुआरेस का जो र्यूमर चल रहा है ये पूरी तरीके से एक फेक न्यूज है और इसे व्यूज के लिए बनाया जा रहा है। सो गाइस, हम लोग एटीकेएमबे के साइट के न्यूज जरा कवर करने की कोशिश नहीं करते, मतलब हम नॉर्थ ईस्ट अनदर एफसी के न्यूज कवर करते हैं। लेकिन यहाँ पर आज इस बात के लिए कंट्रोवर्सी हो जाता है, इसलिए इस बात के लिए अभी ये बात बोलना पड़ा। लेकिन ये सब सुनो, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट अनदर एफसी अभी जीत चुकी है, और यहाँ पर हमें लगता है जनवरी में मतलब एक नया खिलाड़ी आ सकता है। तो ऑल ऑफ दैट भाई ने बोला था कि एक घनन स्ट्राइकर आ सकता है, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही बोल सकता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट अनदर एफसी में स्ट्राइकर या एक बैक आ सकता है। मतलब आज तो जैकबसन भी नहीं खेले, आप लोग देखा ही, तो इस हिसाब से कुछ प्लेयर निकल भी सकते हैं नॉर्थ ईस्ट अनदर एफसी, और न्यू प्लेयर आ सकते हैं मतलब जनवरी विंडो में। एटीकेएमबे का 3 प्लेयर फॉरेन प्लेयर खेल रहा था, हमारे नॉर्थ ईस्ट अनदर 4 प्लेयर खेल रहा था फॉरेन, तो 2 फॉरेन प्लेयर मतलब मैट डेविसन और जैकबसन नहीं खेला आज। मैट डेविसन के तो आप लोगों को मैंने बताया था, मैट डेविसन शायद से निकल दिया गया है मतलब बैड परफॉर्मेंस है, लेकिन अभी तक कोई भी कंफर्म न्यूज नहीं है। तो आगे के समय में कंफर्म न्यूज मिल सकता है, तो थोड़ा लेट हो सकता हूँ, मतलब एग्जाम वगैरह चल रहा है। तो ये जो जनरल ट्रांसफर विंडो मुझे पता है कि 4 जनवरी में या 2 जनवरी में जनवरी ट्रांसफर विंडो पूरी तरीके से खुल जाएगा, तो उसके बाद हमको कुछ खुशी की न्यूज मिल सकती है। और रूमर वगैरह आता है तो मैं बताता रहूंगा, और आप लोग वीडियो को देखते रहना, और एंड तक देखे हो तो लाइक करके जाना,
और आज तो भाई नींद बहुत ही अच्छी तरीके से आएगा, मतलब सब लोग, मैंने अभी ऑल ऑफ देयर फेंका भी लाइव देखा वहाँ पर, सब लोग बोल रहे हैं भाई आज नींद बहुत अच्छा आएगा। हाँ भाई आज नींद बहुत अच्छा आएगा, और नेगेटिव कमेंट मत करना। सो गाइस आज के लिए इतना ही था, तो चैनल में नए है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को पूरा शेयर करो। भाई एटी गेम का लुइस सुआरेस आएंगे या नहीं आएंगे ये भी मतलब फेक न्यूज ही है, जो उन लोगों के तरफ से जो यूट्यूबर लोग बोल रहा है कि लुइस सुआरेस आएंगे, तो मुझे नहीं लगता लुइस सुआरेस आएंगे। तो आप लोगों को सब कुछ क्लियर कर दिया, और एटी गेम में भी न्यू प्लेयर आएंगे, लेकिन मैं ज़्यादा खबर नहीं करता, लेकिन जो नोटिस मेरी तरफ से में न्यू प्लेयर आने वाले हैं, तो ये सब प्लेयर के बारे में वीडियो डिटेल्स में आएगा। तो आप लोग नए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा।